बिलासपुर जिला के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का घिंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने जहां पर अटल आदर्श आवासीय योजना का शुभारंभ किया, वहीं पर 3 करोड़ की लागत से बनने वाली पेयजल परियोजना की आधारशिला भी रखी। और साथ में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिला बिलासपुर के बैठी में एक बड़ी और अहम योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल आदर्श आवासीय योजना का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि झंडोत्ता विधानसभा क्षेत्र के विकास में कई योजनाओं का आधारशिला रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने सऊदी अरब में फंसे हिमाचली युवाओं के मुद्दे पर कहा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लिखकर भेजा गया है और कार्रवाई होगी, जल्द वह वापिस आएंगे और वह भी बिल्कुल सुरक्षित। इस मौके पर जहां पर मुख्यमंत्री ने 10 दिसंबर में धर्मशाला में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र पर बयान देते हुए कहा कि विपक्ष शीतकालीन सत्र के दौरान नकारात्मक भूमिका न निभाए और अपने सुझाव दे ताकि सरकार अच्छे ढंग से काम कर सके, और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और प्रदेश नियंत्रण उन्नति की पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आज जो भी बड़ी बड़ी योजनाएं झंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र में शुरू की गई हैं, उसका श्रेय जनता और स्थानीय विधायक को जाता है। झंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र में आना नहीं हो पाया था पिछले 11 महीनों में, विशेष तौर से ये लंबित आग्रह था और आज पूरा हो रहा है। और आज मुझे इस बात की खुशी है, चाहे वो एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की अगर हम बात करें जो हमने पिछले बजट में हिमाचल प्रदेश के बजट सेशन के दौरान अनाउंस की थी, एक योजना अटल आदर्श आवासीय योजना, उसकी शुरुआत जो है यहां आज बट्टी से हो रही है, विधानसभा क्षेत्र से हो रही है। और मैं इस बात के लिए विभाग को, विभाग के मंत्री को और विधायक महोदय को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके साथ साथ में बहुत विभिन्न योजनाएं यहां पर है जो शुरुआत की जा रही है, जिनकी चाहे वो हमारे तिरकेवी सब स्टेशन की बात है और उसके साथ साथ में हमारे वाटर सप्लाई स्कीम की एक, इसका हमने अभी यहां पर शिलान्यास किया 3.5 करोड़ की लागत से। इस प्रकार की विभिन्न योजनाएं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आज शुरुआत करके जो है आगे बढ़ रहे हैं और विकास को गति देने के लिए ये आवश्यक भी था और उस काम को पूरा किया जा रहा है। सर, जो मंडी के 14 लोग जो है सऊदी अरब में फंसे, उसके लिए आपकी बातचीत चल रही है सर? उस संदर्भ में बातचीत हुई है और 14 लोग हैं वो लोग, और केंद्र में आदरणीय सुषमा स्वराज जी जो हमारे विदेश मंत्री, उनसे विस्तार से बातचीत हुई है और लिख करके भी उनको भेजा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उसमें कार्रवाई होकर के वो वापस आएंगे। तो सब लोग सुरक्षित हैं और यहां से जो आदमी उनको लेकर के गया था उसके ऊपर भी कार्रवाई करने पर भी था, क्योंकि टूरिस्ट वीजा पर लेकर के गए थे और वहां पर उनको काम करने के लिए कहा, और ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में ऐसे हालात ना पैदा हों जो यहां से बाहर गए हों, तो उस बात को भी हम सुनिश्चित करने की कोशिश। सर, आखिरी सवाल है, विधानसभा विपक्ष से कुछ कहेंगे क्योंकि हर बार हल्ला उल्ला होता है उसके बाद? विधानसभा का सत्र 10 तारीख से हमारा शुरू है और 15 तारीख तक चलेगा धर्मशाला में, और विपक्ष से हमारा इस बात के लिए आग्रह जरूर रहेगा कि वो रचनात्मक सहयोग दे उसमें। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने काम किया है, हाँ उसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए जो बातें उनको सुझाव के तौर पर बेहतर काम करने की दृष्टि से, हिमाचल प्रदेश में बेहतर सेवाएं देने की दृष्टि से आवश्यक लगती है, उनका अभिनंदन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक मकसद के साथ वो काम न करेंगे।